हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एमसीआई कोटा। दिस इज योर एजुकेटर वेदांत उपाध्याय। तो भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप सब एंजॉय कर रहे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो आज ही अपना जो सेकंड एपिसोड है या सेकंड लेक्चर है, ये किस पे बेस्ड है? इसमें मैं तीन या चार डेरिवेशन कराऊंगा, पूरी पूरी कंप्लीटली ड्राइव कराने वाला पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहना। तो इसमें पहला टॉपिक आता है अपना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। कौन से पार्ट का निकाल रहे हैं हम? एक्सियल लाइन के लिए निकाल रहे हैं। ये देखो, ये सेम टू सेम वही पार्ट है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल ऑन एक्सियल पोजिशन। इसके बाद इक्विटोरियल का निकालेंगे, उसके बाद टॉर्क वाला पोजिशन निकालेंगे हम। तो आगे आगे देखते जाओ। हौता हका भैया, कहा देखेंगे भैया? ये देखेंगे कि आगे आगे होता है काम। तो डायग्राम बना रहा हूं। तो सबसे बेसिक चीज होती है कि डायग्राम अगर हमको अच्छे से बनाने आ गए, या कौन सा पॉइंट कब कहाँ लगाना है वो आ गया, तो डेरिवेशन कुछ नहीं है इसमें। एक्सियल और इक्विटोरियल की डेरिवेशन बहुत आसान होती है। देखो, सबसे पहले हमने एक बार मैग्नेट कंसिडर किए, ये एस, ये एन, ठीक है। अब इसमें पोल स्ट्रेंथ एम हो गई, इसमें पोल स्ट्रेंथ माइनस एम हो गई। इस डायपोल की लेंथ जो है वो 2L है, इसका ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से कोई आर डिस्टेंस की दूरी पे मैं कोई पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, यहां से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, ये पॉइंट है आर डिस्टेंस पे। इसके एक्सियल लाइन पे ये पॉइंट है, तो मैं एक्सियल लाइन पे इसका एक पॉइंट बना देता हूं, जिसको पॉइंट को नाम दे दिया मैंने पी, ठीक है। इसको थोड़ा आगे और वाइडर कर देते हैं अपन, ताकि ढंग से समझ में आता है। और इसमें जो डिस्टेंस दिया ये कितनी दिए, आर, छोटा ना आर। अब देखो, इस पॉइंट से मतलब नॉर्थ पोल से और पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी? बोलो बोलो बोलो, यहां से यहां तक आर और इतना सा पोर्शन एल, तो कितना हो जाएगा R प्लस एल। और यहां से यहां तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। यहां से लेकर इस पोल से लेकर इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? ये पूरा R, R में से L को माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा R माइनस L। बोलो 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 बोलो, बच्चा पार्टी आ गया समझ में? बोलो बोलो। हाँ, अब इसके बाद इसकी जो आधी लेंथ है वो कितनी होगी, L। बोलो हाँ, इसकी भी आधी लेंथ कितनी होगी, L। बोलो हाँ, पूरी पूरी है ये, M मैंने लिख दिया था, इस वजह से छोटा बनाया है। हाँ बोल रहे हो, चलो। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगी या इधर बनेगी? सर जी इधर बनेगी, इसको B1 नाम दे दो। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण इधर बनेगी या इधर बनेगी? सर जी इधर बनेगी, ये हो गया बी टू। यहां तक कोई समस्या है का? यहां तक कोई समस्या? फटाफट से चेक करो, यही बनेगी? हाँ बनेगी। अब देखो, अब इसमें अपन को पहले पता लगाना है बी वन ज्यादा बड़ा होगा या बी टू ज्यादा बड़ा होगा, उसके बाद अपन आगे का चेक करेंगे कैसे अपन को ड्राइव करना है। फटाफट से इसको सॉल्व करो। और देखो, जो मैंने डायग्राम बनाया वैसा का वैसा ही मैंने इसमें क्या थ्योरी भी लिखी है। हमने बोला कंसीडर अ शॉर्ट डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ प्लस एम एंड माइनस एम सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2L। एक डायपोल कंसीडर करना, मैग्नेटिक डायपोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एल और माइनस एल है, जिसका डिस्टेंस जो है वो 2L है, वो शॉर्ट डायपोल है। इससे के सेंटर से P पॉइंट की दूरी पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कितनी होगी। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारा हो गया कितना, R प्लस L। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, R माइनस L। और फिर आगे अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं डेरिवेशन करा सकूं। आयो बच्चा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे अपन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो लिख लेते हैं इधर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉर्थ पोल।
नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, क्या था बी, अब वन निकाल रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड वन निकाल रहा हूं, तो बी वन इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए इंटू में एम अपॉन आर स्क्वायर था, अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर अलोंग पी एन डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, सॉरी एनपी डायरेक्शन, अलोंग एनपी, इसको इक्वेशन नंबर वन मान लो। क्लियर है, इतना छोटा सा फॉर्मूला बनाया मैंने, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसके बाद निकालेंगे अपन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू साउथ पोल, इधर भी पोल कर लेना, अरे पोलवा पोल कर लेना इसमें। अब इसके बाद बी टू निकालेंगे, बी टू ओ मेरे बी टू अपॉन फोर पाई एम अपॉन डिस्टेंस कितना होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, अलोंग अलोंग इस डायरेक्शन में, मतलब पी से एस की डायरेक्शन में, तो पी एस, इक्वेशन नंबर टू। अब एक छोटी सी चीज बताओ और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बी वन बड़ा है बी टू, ये पूरा का पूरा चीज एक जैसा है, ये पूरा का पूरा चीज एक जैसा है, मतलब ये दोनों आपस में सेम है, चेंजेस का आ रहे हैं बस यहां पे चेंज आ रहे हैं, एक में आर प्लस एल कर रहे हैं अपन, एक में आर माइनस एल कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो मेरे को 24 को डिवाइड करना है, आर की वैल्यू मान लेते हैं चार और एल की वैल्यू मान लेते हैं तीन या चार, दो, चार प्लस दो कितना होगा छह, 24 में से मैं 24 को छह से डिवाइड करूंगा कितना आएगा फोर, यही पर उल्टा करें इसमें चार माइनस दो, 24 को मैं दो से डिवाइड करूंगा कितना आएगा बारह, इधर आंसर क्या आ रहा है चार, इधर आंसर क्या आ रहा है बारह, यहां तक क्लियर है, तो किस में ज्यादा आ रहा है, इस वाले में ज्यादा आ रहा है, मतलब माइनस करने वाले में ज्यादा आ रहा है, सिंस बी टू इज ग्रेटर देन बी वन, देन हम क्या करेंगे, हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, क्या करेंगे माइनस कर देंगे, नेट नेट बी इक्वल्स टू बी टू माइनस बी टी, मतलब बी टू माइनस बी वन, इज इट क्लियर, लिख देते हैं भाई, बी टू की वैल्यू क्या है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्लियर है, इतना कचू कॉमन आ रहा था, आ रहा है सर, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम कॉमन आ रहा है सर, ठीक है सर, लगा दिया, क्या बचा सर वन अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, कोई डाउट, अरे तनिक भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। चलो अब इसमें थोड़ा एलसीएम एलसीएम लेना शुरू करें, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अंडर रूट, इधर क्या बचेगा अपने पास आर माइनस एल का होल स्क्वायर एलसीएम और आर प्लस एल का होल स्क्वायर एलसीएम, इससे इसको डिवाइड करूंगा आर माइनस एल स्क्वायर से, आर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आर प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहां तक क्लियर है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो पूछो, नहीं पूछोगे कोई बात नहीं, अपन आगे करते हैं, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम आर स्क्वायर प्लस टू आर एल प्लस एल स्क्वायर, ओपन कर दिया इसका स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस टू प्लस का माइनस एल स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, भैया ये गणित लगा रहा हूं मैं, पूरी पूरी गणित लगा रहा हूं मैं, तो उसमें आपको हो सकता है कोई बायो के स्टूडेंट हो तो हल्का फुल्का तनिक दिक्कत आ रही हो तो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, वो आइडेंटिटी याद रखना, a
प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और माइनस वाले में ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये आपके मैथ के टीचर ने क्लास एट्थ में, क्लास नाइन्थ में, क्लास टेंथ में यूज करके बताई होगी, जो कि आपको भयानक से टीचर लगते थे, है ना, तो उन्होंने बताई होगी, जिनसे आप लोग अभी तक भी घबराते हो, वो गंदे सपने की तरह आते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये सब चीजें बताई होगी, वो याद रखना, छोटी छोटी सी चीजें, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद इसमें से कुछ काटा फीसी मचा देते हैं, और काटा फीसी के लिए हम नया पेन लाए हैं, टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग। क्या बचा भाई, टू आर एल, अरे टू आर एल, अरे टू आर एल प्लस टू आर एल कितना होगा, फोर आर एल होगा। अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, और ये बहुत ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। देखो इसको मैं मान लेता हूं ए, ए का स्क्वायर, इसको मैं मान लेता हूं बी, बी का स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए बी का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। ए की जगह पर फिर उसकी वैल्यू रख देते हैं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, है ना, या ऐसे ना रख के आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या था, होल स्क्वायर। अब ये इसको उठा के मैं यहां पे रख रहा हूं, रख दूं, रख दो, यहां तक समझ में आ गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जब रजिस्टर में आप लोग नोट करेंगे डेरिवेशन, तो उस टाइम पे इसको इंपॉर्टेंट स्टेप के तौर पे नोट कर लेना, पर पेपर में मत करके आना, टीचर को तुमको इंपॉर्टेंट या नहीं इंपॉर्टेंट जो भी है वो नहीं बताना है, हमको ये बातें गुप्त रखनी है, ठीक है। अब ये इरेज कर रहा हूं मैं, इसको आप लोग वैसे ही याद रखना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो, अब अगला स्टेप भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2RL को मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूं, कैसे ब्रेक कर रहे हो सर, 2 इंटू एल या m डॉट 2L डॉट 2R, इसको मैंने 4 को 2 के साथ ले गया, 2L हो गया, m अंदर मल्टीप्लाई में ले गया, और जो 2 बचा था उसको R के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, तो यहां पे क्या बचेगा सर, बचेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बोला बच्चा। अब देखो थोड़ा सा याद करो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक पढ़ाया था मैंने, उसमें इससे पहले वाले लेक्चर में लास्ट टॉपिक जो है उसमें क्या आता है, एम डॉट टू एल, ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, तो 4 पाई डॉट एम वेक्टर डॉट, ये आगे 2 लगा देंगे, यहां पहुंचा दिया ये वाला, डॉट आर अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर होगा, अरे होगा होगा, यहां तक क्लियर है, इधर लिख भी दो, सिंस एम डॉट टू एल इक्वल्स टू एम वेक्टर, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब आगे देखो, लास्ट पॉइंट बचा है इसमें हमारा, ये तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है पॉइंट पी पे, ठीक है, पर इसमें थोड़ा सा स्पेशल केस भी बनते हैं, एक आध तो स्पेशल केस भी बना देते हैं, इफ द डाई पोल इज टू शॉर्ट एज कंपेयर टू आर, देन एल इक्वल टू जीरो। अगर मैंने जो ये वाला पॉइंट है ये बहुत ज्यादा दूर ले लिया, तो ये वाली जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी, तो इसमें अपन पुट करते हैं, तो पुट करने पे क्या आएगा, बी इक्वल्स टू टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए डॉट एम वेक्टर डॉट आर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर के पास 4 बन जाएगी। इससे या एक स्टेप लिख देता हूं, तो फिर बौखला जाओगे आप लोग, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूं, टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए डॉट डॉट एम वेक्टर डॉट आर अपॉन आर की पावर 4, पावर 4 से पावर ये गया, पावर क्या लग जाएगी 3,
क्या बन गया, B इक्वल्स टू टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए डॉट एम वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और अगर बढ़ाना चाहो तो इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, आर कैप से इसको मल्टीप्लाई कर दो, आर कैप को जब वापिस से करेंगे अपन तो वो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी छोड़ोगे हमारा आंसर क्लियर है। तो ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। फटाफट से छापा छापी करो, फिर अगला करेंगे अपन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्विटोरियल लाइन। ठीक है, फटाफट से नोट करिए आप। तो बच्चा अब अगला जो टॉपिक है अपना वो भी इम्पोर्टेंट है और पहले अपन ने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रखा हो, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है, तो इसको करा रहा हूं मैं और बहुत आसान टॉपिक है, आप लोग पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल ऑन इक्विटोरियल पोजिशन। अब इक्विटोरियल पोजिशन सर कहाँ होती है, तो बच्चा इक्विटोरियल पोजिशन वो पोजिशन होती है किसी भी डायपोल से सेंटर से कुछ पॉइंट दूरी पे हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, उसी को क्या बोला जाता है, इक्विटोरियल पोजीशन। अब देखो समझना, ये हमने एक डायपोल ले लिया, मैग्नेटिक डायपोल जिसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस एम और माइनस एम है, यहां से इनका जो डिस्टेंस है वो है 2L, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट से मैंने कुछ पॉइंट, तो इसके कोई P पॉइंट पे जो कि R डिस्टेंस पे है, मान लिया मैंने यहां से यहां तक का कौन सा डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है, तो इसमें मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो भाई क्या देखा था अपने क्लास 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, उसमें क्या देखा था भाई, इस पॉइंट के कारण यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी है ना, इस पॉइंट के कारण यहां पे भी कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, इसके कारण कहां पे बनेगी, इस डायरेक्शन में, उसको मैंने नाम दे दिया B1। इससे कहां पे बनेगी, नीचे की तरफ, इसको मैंने नाम दे दिया B2। है ना बेटू, अरे है ना बेटू, एक को एक मैग्नेटिक फील्ड इधर खींची है, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर खींची है, बनने वाला रिजल्टेंट कहां बनेगा सर, बीच में बनेगा, तो बीच में बना दिया अपन ने, B1 यहां बनी, B2 यहां बनी, तो बीच वाली जो B होगी मेन मैग्नेटिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में बनेगी। अब देखो अगर थोड़ी सी हम बात करें छोटी छोटी सी, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसकी लेंथ 2L, तो इतने से कि मैं L बोल सकता हूं, यहां से यहां तक लेंथ कितनी हो गई L, तो सर यहां से यहां तक भी तो L ही होगी, कौन सा कद्दू होगी, तो यहां से यहां तक भी L हो गई। L R पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये वाली साइड निकाल सकता हूं, कितनी होगी सर, होगी कुछ अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है सर, सर ये वाली कितनी होगी सर, सेम ही तो होगी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अरे सही हो जा रहे भाई, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, जिसको ये नहीं आया हो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, और जिसको आ गया हो कमेंट में लिख के बताना है कि ये कैसे लिखा, फिर भी मैं एक आइडिया बोल रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम इसका सॉल्यूशन करके, भेजना है मेरे को लिख के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये आ गया अपना अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इधर वाला भी क्या आ गया अपने पास, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। अब देखो ये साइड और ये साइड इक्वल आ रही है भाई, हमने एक चीज पढ़ी थी, कभी भी कोई एक ट्राइंगल है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके रेस्पेक्टिव एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये क्या होता है हमारा, कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा बेटा, इसका मतलब ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा बेटा, चलो होगा। अब देखो, अब हमने क्या बोला, B1 B के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा, तो इसका अगर कंपोनेंट लिखूं तो क्या आएगा, B1 cos थीटा। अगर B2 की बात की जाए तो वो भी क्या बना रहा है, B2 cos थीटा, B1
इसके साथ कहां पे बनाएगा, ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये वाला क्या बन गया, ये वाला क्या बन जाएगा हमारे पास, बी वन साइन थीटा और नीचे वाला बी टू साइन थीटा। इज इट क्लियर? अगर ये पूरा क्लियर है डायग्राम, क्योंकि मेन खेल इसमें डायग्राम का ही है, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें, है क्या भाई, कुछ कुछ भी नहीं है ना, तो बाकी कुछ चीज नहीं है, मेन चीज डायग्राम है। अगर डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो मैं आगे डेरिवेशन कराता हूं। अगर पहले एक बार इसको देख लो, अगर आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे डेरिवेशन चालू करा रहा हूं। तो मुन्ना राजा डायग्राम देख लिया, आगे का खेला चालू करें तो क्या करेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोलवा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोलवा। अब नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे लिखेंगे भाई अपन, बी वन, नॉर्थ पोल के कारण बी वन बन रही है, बी वन इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए एम अपॉन, बोलो एम अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, बी वन इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाए एम अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि अंडर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अभी किस डायरेक्शन में, अलोंग एनपी, किस डायरेक्शन में है, अलोंग एनपी। इज इट क्लियर? अगर ये अच्छे से क्लियर है तो अगला आगे बढ़े अपन, इक्वेशन वन भी बोल सकते हो उसको। अब अगली चीज निकालेंगे अपन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोलवा, ड्यू टू साउथ पोल, वही वापस, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कौन सी बन रही है, इस डायरेक्शन में बी टू, अरे बेटू बन रही है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बेटू क्या बनेगा, बेटू बनेगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अलोंग पी एस, इक्वेशन नंबर टू। अब देखो देखा जाए तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या लिखूंगा मैं, बी बराबर बी वन प्लस बी टू, है ना, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, बाय वन एंड टू बी वन इक्वल्स टू बी टू लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर थ्री मान लो इसको भाई, ये और ये सेम आ रही है तो मैं लिख सकता हूं बी वन बी टू के बराबर है, तो मैं इधर भी लिख सकता हूं बाय या फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बी इक्वल्स टू बी वन प्लस बी वन, बी टू की जगह पे भी क्या लिख दिया मैंने, बी वन लिख दिया, तो इससे क्या लिख सकता हूं, बी इक्वल्स टू टू बी वन, बी इक्वल्स टू टू बी वन की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, सर म्यू नॉट अपॉन फोर पाए एम अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लिख दो, लिख दिया सर, इज इट क्लियर है, अरे इज इट क्लियर है, क्लियर स्प्राइट हाँ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू टू म्यू नॉट फोर पाए एम अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज। हाँ तो यहां तक क्लियर है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। अच्छा इसमें एक चीज और गड़बड़ की है हमने, स्टार्टिंग से गड़बड़ हो गई और तुम लोगों ने याद भी नहीं दिलाया कि सर ये B1 क्या खेलते हो, सर ये B1 क्या खेलते हो, ये तो आएगा B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। हाँ तो कहा था भाई B1 तो इसको कंप्लीट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन राइट हियर एट B1 cos थीटा, तो ये क्या लिख दूंगा, B इक्वल्स टू टू B1 cos थीटा, B1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 into
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे अपन, और इधर निकाल के बता रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल एन ओ, इसको नाम दे दो ओ, ओ ओ जन जाना, एनओपी एनओपी ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना है एल और हाइपो कितना है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट का, अंडर रूट का। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं इधर एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो हां, बोलो हां, बी इक्वल्स टू, इसको टू को इधर ले जाओ, एम या म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम डॉट टू एल अपॉन, ये देखो ये पावर आर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर एक है, ये पावर हाफ है, दोनों पावर को ऐड करेंगे तो थ्री बाई टू आएगा, नहीं आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर थ्री बाय टू, इज इट क्लियर। अब देखो ये तो अपन पहले से ही पता था, जब हम बचपन में छोटे थे तो ये हमको पता था, ये क्या है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एम वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर थ्री बाय टू। ये क्या आया है हमारे पास, ये क्या आया है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल ऑन इक्विटोरियल पोजिशन। अब इसमें एक स्पेशल केस बनता है, स्पेशल केस केस केस, इफ एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, इट इंप्लाइज दैट एल इक्वल्स टू जीरो। अगर जो हमने शॉर्ट डायपोल लिया है बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो एल क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एम वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह पे जीरो, जीरो का स्क्वायर होल पावर थ्री बाय टू। B बराबर या B वेक्टर लिख दो, क्यों बुरा मानते हो, अपॉन फोर पाई एम वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर की पावर थ्री बाय टू, पावर की पावर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई की हो, B वेक्टर की वैल्यू क्या आई हो, सॉरी एम नौ एम वेक्टर आर की पावर थ्री। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक शॉर्ट डायपोल एट इक्विटोरियल पोजीशन का लास्ट पोर्शन आ गया या लास्ट स्टेप आ गया। क्या आप लोगों को क्लियर है, अगर क्लियर है तो कमेंट में यस सर लिखो, और नहीं क्लियर है तो नो सर लिखो, ताकि मैं और क्लियर कर सकूं। फटाफट से इसको छापो, इसका स्क्रीनशॉट मारो। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है लास्ट इस वीडियो का, इस लेक्चर का, वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई डायपोल है जिसको हमने कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उस पर टॉर्क कैसा वर्क करेगा, ये टॉर्क कितना लगेगा वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या होता है इसमें आगे आगे। ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने वाली पोल्स लगा दिए मैंने, अब या बार मैग्नेट रख दिए। अब इसमें मैंने क्या किया, एक बार मैग्नेट रख दी, जिसमें एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ बच्चा जानता है प्लस एम होती है, साउथ पोल की माइनस एम होती है। ठीक है, अब क्या होगा, ये नॉर्थ पोल वाला क्या करेगा, इस नॉर्थ पोल से के कारण रिपेल होगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये साउथ पोल वाला इस वाले के कारण साउथ पोल क्या होगा, रिपेल करेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू एम अपॉन एफ। यहां से अगर फोर्स का फॉर्मूला निकालूंगा तो क्या आएगा, एम बी, ठीक है, या बी एम या एम बी कुछ भी बोल सकते हैं। तो फोर्स क्या आ गया हमारा, फोर्स टू एम बी, फोर्स वन क्या आ गया, फोर्स वन क्या आ गया, एम बी आ गया वो भी। ठीक है,
अब ये भी एम बी, ये भी एम बी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा इसके कारण एक टॉर्क जनरेट होगा। अब वही टॉर्क कितना जनरेट होगा वो निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन फ्रॉम फिगर, F1 equals to mb and F2 equals to mb. So these two forces are equal in magnitude and अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे जनरेट अ टॉर्क, ठीक है भाई। वही का जो मैंने आप लोगों को समझाया भाई कि ये एक डायपोल है, पे दोनों पे फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, और दोनों का क्या है मैग्नीट्यूड इक्वल है और जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इसके कारण क्या होगा एक टॉर्क जनरेट होगा और उसी की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। अब गली का बच्चा बच्चा जानता है कि टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अब फोर्स तो हम कोई सा भी ले लेते हैं, F1 या F2, आइदर फोर्स होता है क्योंकि वो, तो F1 भी ले सकते हैं और F2 भी ले सकते हैं। F इक्वल्स टू MB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा इसका, BC, ठीक है, क्या होगा परपेंडिकुलर BC। अब भाई BC की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये चीजें हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, इस वजह से मैं ज्यादा इसको डिटेल में और नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ये आसान टॉपिक्स है, ठीक है। इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए बी सी से हम क्या करेंगे भाई, एक ये ट्राइंगल है ए बी सी। अच्छा इसमें एक चीज क्लियर रखना, बी मैंने पॉइंट भी ले लिया और बी का मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी है, और अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो इसको बी की जगह कोई भी अलग पॉइंट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो भी है वैसे ले ही लेते हैं, क्यों कंफ्यूजन पैदा करें अपन, तो इसको मान लेते हैं ए ओ सी, तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया ओ सी, तो अब ट्राइंगल क्या बन जाएगा AOC, ठीक है। इसमें साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर यहां पे क्या है OC और हाइपो यहां पे क्या है AO या OA, इनकी अगर वैल्यू रखेंगे तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू OC की जगह पे OC और AC और AC और AC, OA की जगह पे 2L, 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 2L. It implies that OC equals to 2L sin theta. Equation number मत डालो यार, क्या करेंगे क्या करना, हाँ sin OC की वैल्यू आ गई है, इसमें पुट कर देंगे, पुट OC इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन लिख दे, तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू एम बी और एम बी इंटू टू एल इंटू 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 साइन थीटा, है ना। अब थोड़ा अलग फुलक कर ले इनको, टू एल इंटू एम क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, बी साइन थीटा, चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं और चाहो तो ये भी हमारा रिजल्ट है। थोड़ा साफ सुथरा करते हैं, थोड़ा रंग बिरंगा करते हैं, थोड़ा मजा आएगा, दिन बन जाएगा एम बी साइन थीटा, साइन थीटा, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क By which the rod या फिर by which the bar magnet will rotate. अब इसमें फिर मैंने एक और बताया कि इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो बीच में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा क्योंकि साइन थीटा लग रहा है ना बाबू। अब इसके स्पेशल केस कर लेते हैं, स्पेशल
अच्छा ये एक बात याद रखना आप लोग कि जो मैं स्पेशल केस कराता हूँ ऐसे नहीं कि मेरा मन करता है मेरे को मजा आएगा है ना, इसलिए नहीं कराता क्योंकि ये स्पेशल केस से ही वन वन मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं सॉरी वन वन मार्क्स के जो है क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ के जाया करो स्पेशल केस, यानी कि ये नहीं कि सर को मजा आ रहा है वीडियो लंबी करने में, कोई मजा नहीं आता है आपको। बहुत ज्यादा जो डिटेल चीज और इम्पोर्टेंट चीज है ना वही बताई जाती है, और आपको पहले ही काफी सारे लेक्चर्स में बोल चुका हूँ कि नोट्स की अगर आपको कोई दिक्कत है तो नोट्स पूरे पूरे ये बिल्कुल प्रॉपर नोट्स हैं, अगर आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके वीडियोस को और करेंगे तो ये प्रॉपर नोट्स होंगे और बोर्ड के हिसाब से नोट्स हैं, क्योंकि अब क्या है बोर्ड में वाला सिस्टम खत्म हो गया है कि हम कथा लिख के आएंगे और किसी सब्जेक्ट की तरह, जैसे बच्चे होते हैं सोचते हैं कि ज्यादा लिखने के नंबर मिलते हैं, अब ऐसा नहीं होता। अब तो और ये हो गया है कि 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 4 पार्ट कर देंगे उसके, ना कि 5 नंबर ऐसे डायरेक्ट कोई सा बड़ा क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो इसलिए डिटेल स्टडी में बिलीव करो, ना कि ऐसे ही कि ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया और हो गया काम कंप्लीट, ठीक है। तो नोट्स की भी सुविधा कराई जा सुविधा दे रखी है आप लोगों को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो प्लीज का यूटिलाइजेशन करें। चलो तो स्पेशल केस, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री तो हमारे पास टॉर्क क्या होगा, तो बराबर एम बी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 तो टॉर्क कितना हो गया 0। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी हमारी, जल्दी बोलो टॉर्क कितना आ गया इस कंडीशन में हमारा, टॉर्क आया हमारा इस कंडीशन में 0। तो इस कंडीशन में जो हमारा बार मैग्नेट होगा या डायपोल होगा वो क्या होगा, स्टेबल कंडीशन में या स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मार्क कर लो। क्वेश्चन कैसे बनता है भाई, बोला जाता है कि इफ अ डायपोल या इफ अ मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम देन फाइंड या फिर देन व्हाट इज इट्स एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या आंसर आएगा 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना नेक्स्ट आता है इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बराबर एम बी साइन 180 डिग्री। अब 180 के साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी टॉर्क क्या आ गया, 0 आ गया, और इस कंडीशन में भी 0 आ गया, पर लेकिन किंतु परंतु बंधु ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि भाई अगर कोई इंसान कोई मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंसान नहीं सॉरी कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने मैग्नेट डायपोल रख दिया तो स्टेबल है, अब इससे अपन ने अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया बिल्कुल तो अनस्टेबल है ना, आंसर 0 आ रहा है अपना, टॉर्क कुछ भी नहीं लगेगा उस कंडीशन में भी। पर क्या हो रहा है इसमें कि भाई उल्टी डायरेक्शन में रख दिया, एंटी पैरेलल रख दिया, ये भी बोला जा सकता है। लास्ट इसमें केस आता है इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तो टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो टॉर्क कितना आ गया, एम बी आ गया सर, और यही मैक्सिमम कंडीशन है, यही मैक्सिमम क्या है टॉर्क। तो पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन नोट कर लो कि कोई भी डायपोल किस पोजीशन पे किस एंगल पे रखा जाए कि उस पर मैक्सिमम टॉर्क वर्क करे, ठीक है। तो अब ये वाले लेक्चर का समापन यहीं पर ही होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना ताकि और भी ऐसी अच्छी हेल्पफुल वीडियोज आपके लिए मैं लाता रहूं। और बाकी नोट्स का मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपको नोट्स चाहिए तो ये बिल्कुल प्रॉपर नोट्स हैं, और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अपन ये सोच लें कि सर बोर्ड पे लिखवा रहे हैं तो कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट नोट्स हैं और डिटेल अच्छे नोट्स हैं ये, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।